बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी हेल्थ टीवी। आज आपकी खिदमत में ये जो सामने आपकी चीज़ पड़ी हुई है, बालों को सफ़ेद, बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत अमेजिंग है, आपको एक रेमेडी बनाने वाला हूँ। इस चीज़ में आपने एक सिर्फ और चीज़ मिलानी है, जिसकी बदौलत आप अपनी सफ़ेद बाल की जड़ को बिल्कुल परमानेंटली ब्लैक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इस नुस्खे में ऐड हो रही हैं और इसको बनाने का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई झंझट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। बस जो जो प्रोसेस मैं आपको बताता चलता हूँ, मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करते जाइए और सबसे पहले आप मेरे चैनल देसी हेल्थ टीवी को भी सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स तमाम आपकी तरफ आ जाएँ। तो आइए चलते हैं, दूसरी चीज़ का नाम जान लेते हैं और फिर इसको बना लेते हैं। ये बनाएंगे कैसे, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये चाहिए है कलवंजी, ठीक है। कलवंजी आपको किसी भी जगह से बासानी मिल सकती है, ठीक है। ये आपने तकरीबन आधा कप कलवंजी का ले लेना है। और दूसरे नंबर पर आपको ये चाहिए है कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल आपको किसी भी जगह से आपने एक नंबर कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी का एक लिया हुआ है। आइए अब इस नुस्खे को बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख दिया है और इसमें मैं ये कोकोनट ऑयल ऐड कर दूंगा और इस ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही दोस्तों ये ऑयल, कोकोनट ऑयल आपका गर्म हो जाए, तो फिर इसमें मैं साथ ही साथ ऐड करता जाऊंगा ये कलवंजी। आधा कप कलवंजी का मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये कलवंजी को भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह की होती है। कुछ व्यूवर्स को पता ही नहीं है मेरे के कलवंजी क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये होती है कलवंजी, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसको नरम जो आग है उसके ऊपर इसको पका लूँगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कलवंजी को मैंने अच्छे से जब पकाया, ब्राउन किया, तो ये इसने अपना असर बीच में छोड़ दिया है। तो अब इसको मैं एक एम्प्टी बॉटल में कन्वर्ट कर लूँगा। जी मेरे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको एक एम्प्टी बॉटल में कन्वर्ट कर लिया है। ऑयल का रंग आप देख सकते हैं पहले कैसे था। कोकोनट ऑयल को मैंने कलवंजी में जब पकाया, कलवंजी ने अपना असर बीच में छोड़ा, तो ये हमारे पास ऑयल निकला है। ये आपके वाइट हेयर्स को परमानेंटली इंशाल्लाह ब्लैक कर देगा। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने इस्तेमाल कब करना है। ये कोकोनट ऑयल में बना हुआ है, कोकोनट ऑयल आपका ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको रात को सोकर इसको इस्तेमाल करके रात को सोएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो आपका सर जमा हुआ होगा। तो बेहतर तरीका इसका ये है कि जब भी आपने नहाना हो तो आपने एक घंटा कबल इसको अपने बालों में लगाना है, या दो घंटा कबल, और लगा कर फिर इसको अच्छे से छोड़ दीजिए और फिर आप अपने सर को वॉश कर लीजिए या नहा लीजिए। तो आपके ये चंद ही दिनों में आपके जो वाइट हेयर्स हैं उनको परमानेंटली ब्लैक कर देगा ये। और इसके साथ साथ जो और इसके फ़ायदे हैं उनसे भी मैं आपको आगाह करता चलूँ दोस्तों। ये आपको एक ऐसा ज़बरदस्त आपके हेयर्स लॉन्ग कर देगा आपके हेयर्स को, कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल शामिल हुआ है, ठीक है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आपके बालों की खुश्की सिकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके बाल अगर खुश्क हैं, आपके बालों में खुश्की बहुत है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया है, और भरपूर फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल देसी हेल्थ टीवी को भी सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।